तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में एसी जनरेटर की, दैट एसी जनरेटर किस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है। तो याद रखना, एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हम एक कॉइल को घुमाने में ताकत लगाते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, फिर जो जनरेटर है वो हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना करके देता है। तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो एसी जनरेटर बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है भाई, कि जब जब किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, जब जब किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब तब उस कॉइल में जो है करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या बोला कि अगर हमारे पास ये कॉइल है और इस कॉइल के साथ लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहा जाए भाई प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का, तो बोलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू किसी कॉइल के साथ अगर लिंक होने वाली बदलेगी तो जो है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब अगर हम आपसे ऐसे बोलें कि किसी भी कॉइल के साथ चेंज होने वाला फ्लक्स बदलेंगे तो करंट इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स बदलने के कितने तरीके हमारे पास हैं? तो याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। दैट मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदलें तो फ्लक्स की वैल्यू बदल सकती है, एरिया ऑफ कॉइल को बदलें तो फ्लक्स की वैल्यू बदल सकती है। इसके अलावा जो सबसे आसान तरीका होता है एसी जनरेशन में, सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है एंगल को बदल देना। थीटा को कंटिन्यूअसली कॉइल को घुमा के बदला जा सकता है, कॉइल को घुमाते रहो थीटा बदलता रहेगा, कॉइल को घुमाते रहो थीटा बदलता रहेगा। तो जो हम मेथड यूज करते हैं वो करते हैं एंगल को चेंज करने वाला। आप देखते हो शादी में जनरेटर को घुमाया जाता है। बात समझ में आती है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करना है, उससे जो है उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करने का सबसे आसान तरीका होता है थीटा को बदलना। दैट मींस एक कॉइल को घुमाओगे तो थीटा बदलेगा। नाउ तो इसका मतलब है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट कराते हैं इस तरह से, तो इस कॉइल में जो है करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये करंट इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, ये हम देखना चाहते हैं। और कैसे कैसे बनेगा, क्या इसकी डायरेक्शन बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो हम ये देखना चाहते हैं। उसको समझने के लिए हमें समझना होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को समझने के लिए आपको भगवान का समय अपने हाथ पे लिख लेना, थंब पर लिखना मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब पर लिखना मोशन ऑफ कंडक्टर, कि जो कॉइल हमारी घूम रही है उसका मोशन कहाँ है, उसका मोशन कहाँ है ना? तो मोशन ऑफ कंडक्टर। ये जो फोर फिंगर है इस पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो भैया लिख लो, इस पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे लिख लेना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये वाली जो फिंगर है वो देगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। नाउ ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक पूरी कॉइल, ध्यान से देखना, हम आपको बताने वाले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है। ध्यान से देखना कि ये हमारे पास एक कॉइल है। इस कॉइल में जो है, मान लो कि इस कॉइल में ये पूरी कॉइल है, हमने ये जो कॉइल का एक साइड कंसीडर कर ली, लेट से ये वाली साइड कंसीडर कर ली। ठीक है, अब देखो, ये देखो अभी ये वाली साइड का है, ये देखो ये रेड है ये वाइट है। अब इस वाइट साइड को आपको देखना है, बस ये रेड है ये वाइट है। अब देखो ये वाइट साइड को देखो सिर्फ, और यहां पे लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये ऑब्वियस है कि ये घूमेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है ना? नाउ देखो ये वाइट साइड को देखो, सबसे पहले हाफ साइकिल में अगर देखो, ये पूरी एक साइकिल हो जाएगी ऐसे, ये पूरी एक साइकिल। तो हम देखते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाइट वाला पोर्शन, मतलब साइड का एक एज कहां जाएगा, बोला नीचे की साइड जाएगा। ये वाला पोर्शन कहां जा रहा है, देखो नीचे की साइड, 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 ये जा रहा है नीचे की साइड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम थंब को कहां रखेंगे, थंब को रखो नीचे की साइड, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे। मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ से साउथ, तो करंट कहां बनेगा, ये वाली फिंगर देखो, ये वाली बाहर की साइड करंट इंड्यूस। तो उसका मतलब कि जब ये कंडक्टर नीचे जाएगा, थंब नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट बनेगा बाहर की साइड। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में केवल इस वाले कंडक्टर को देखो, पूरी कॉइल को नहीं, केवल इसको देखो, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हुआ बाहर की साइड ऐसे,
ठीक है। अब दूसरी हाफ साइकिल में देखो, दूसरी हाफ साइकिल में देखो, पूरी साइकिल नहीं हुई, दूसरी हाफ साइकिल में ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये अब ऊपर की साइड उठेगा, और जब ऊपर की साइड उठेगा इसका मतलब क्या हुआ कि थंब ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। और ये वाली जो फिंगर है ये कहां जा रही है, अंदर की साइड, दैट मींस करंट इंड्यूस अंदर की साइड। तो आपने देखा कि एक बार जब ये नीचे जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन बाहर की साइड ऐसे, और जब ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन अंदर की साइड। तो हमने देखा कि एक साइकिल में इस कॉइल में ये वाले पोर्शन में बाहर करंट गया, अंदर करंट गया, बाहर करंट गया, अंदर करंट गया। तो एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन कितनी बार बदली, तो क्या बोलोगे कि एक साइकिल में करंट ने अपनी दो बार डायरेक्शन बदली, टू टाइम्स डायरेक्शन। तो इस तरह से हमें पता पड़ गया कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, कि यहां पर हमें एक साइकिल में, दैट मींस हाफ साइकिल में करंट बाहर फिर अंदर, 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 और ये बन गया अल्टरनेटिंग करंट। इसी को तो हम एसी कहते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि भाई एसी किस तरह से जनरेट होता है, एसी किस तरह जनरेट होता है। अब इसको समझने के लिए, एसी की डायरेक्शन समझ गए, अब इसको समझने के लिए कि हम जो है क्या क्या करते हैं इसके अंदर, तो देखो एसी जनरेटर के अंदर कुछ नहीं होता। इस कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं, तो आराम से समझ लेना कि इस कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं, लिख लो। अब देखो ये हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल में अगर हम डायरेक्ट जो है वायर वगैरह कनेक्ट करेंगे तो जब ये कॉइल घूमेगी हमारे पूरे वायर भी साथ में घूम जाएंगे और अंटे लग जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं टर्न्स जो एक के ऊपर एक लग जाएंगे। तो हमें जरूरी होता है कि इस कॉइल के साथ कनेक्शन कुछ इस तरह से किया जाए कि कॉइल घूमे और उसका जो करंट है वो ट्रांसफर हो, चार्जेस ट्रांसफर हो। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और ना घूमे, तो इसके लिए हम जो है यूज करते हैं यहां पर स्लिप रिंग। नाउ तो यहां पर हमने जो है लगा दो भाई, कुछ भी बल्ब लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है, कुछ भी लगा दो। स्लिप रिंग में क्या होता है, स्लिप रिंग का मतलब है कि ये आपके ये स्लिपिंग कनेक्शन में होते हैं। एक रिंग से, मान लो कि ये वाली साइड से केवल एक ये कनेक्टेड है, केवल एक। अब ये देखो कॉइल घूमेगी तो ये वाला हिस्सा भी घूमेगा, कॉइल घूमेगी ये वाला हिस्सा भी घूमेगा, ये घूम रही है कॉइल। अब इस कॉइल के एक एंड के साथ ये जो रिंग है, स्लिपिंग रिंग, ये जो स्लिप रिंग है ये केवल स्लिपिंग कनेक्शन में, कैसे में, स्लिपिंग कनेक्शन में, तो केवल ये कॉन्टेक्ट में है, टच में है, तो जो भी करंट आता है ये जो है यहां से जो है इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। जबकि देखो ये वाली जो लाइन है वो इससे कनेक्ट नहीं है, ये वाली लाइन ये दूसरी वाली रिंग से कनेक्ट है। तो एक जब ऐसे करंट आएगा तो जो इसके थ्रू चला जाएगा, जब ऐसे करंट आएगा तो इसके थ्रू चला जाएगा। बात समझ में आती है आपको, चलिए भाई ये ठीक है इतनी सी कहानी ना। तो यहां से देखो इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश, ठीक है ना। और ये लगी स्प्रिंग जो इसको दबा के रखती है ताकि लूज कनेक्शन ना हो, और जो है ये स्लिप रिंग वगैरह ये सारी चीजें हो गई, और ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई। तो आपको ये सारी बातें समझ में, बात समझ गए, स्लिप रिंग ये क्या है, स्लिप रिंग जो कि ये कॉइल के स्लिपिंग कनेक्शन में है। नाउ चलिए भाई ये कहानी हुई एसी जनरेटर की। अब इसमें जो है आपको एसी जनरेटर का ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है इसकी कैलकुलेशन और करनी है। तो भाई इसके लिए हमें बड़ी सिंपल सी कहानी है, हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने क्या पढ़ा हुआ है भाई, E इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाई बी ओवर डी टी, दैट मीन जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होता है उतनी जल्दी ईएमएफ बनता है। जिस रेट के साथ फ्लक्स चेंज होगा उस रेट के साथ ईएमएफ बनेगा। नेगेटिव साइन बताता है कि कुदरत अलाउ नहीं करती फ्लक्स चेंज को, अपोज करती, दैट मींस ये नेगेटिव साइन है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा भाई यदि एक कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप यहां पर लिख दें एन, यदि कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहां पे लिख दें एन। नाउ ध्यान से देखो हम यहां पे क्या करेंगे भाई, माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी, इस फाई बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। याद रखना, लेट से ये कॉइल अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है और टाइम लेती है टी, तो याद रखना इस थीटा की जगह हम क्या पुट करते हैं, ओमेगा टी। चलिए भाई E इज इक्वल टू माइनस एन, सारी चीजों को ये बाहर निकाल दो तो बी ए बाहर आ जाएगा और डिफरेंशियल होगा सिर्फ और सिर्फ कॉस ओमेगा टी का।
कॉस ओमेगा टी का, भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। हमने कहा कि ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, ठीक है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा ये आपका माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू ओमेगा, तो इंटू ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, बस भाई कुछ नहीं, खत्म हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट, क्या लिखते हैं इसको, इसको हम लिखते हैं ई नॉट, ई नॉट का मतलब है कि ये हो गया अपने पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट का मतलब है कि इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम, ये है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ई नॉट। नाउ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये अगर आपका ई नॉट हो गया तो बस इसी तरह से अगर हमें निकालना है तो अगर आपको ये है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सोचो ना अगर ये आपका मैक्सिमम, एरिया आपका चेंज नहीं होगा, बी आपका चेंज नहीं होगा, एन आपका मैक्सिमम, तो आपको जो ईएमएफ मिलेगा वो मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। तो इसी तरह से हम आई को भी लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद रखना कि आई जो है, आई है आपकी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, और ये है आपकी पीक वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो भाई यही आपसे पूछा जाता है और यही आपने निकाल के दिखा दिया, सारा काम हो गया आपको, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये छोटी सी कहानी थी, इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इस लेक्चर में आपको मजा आएगा और इसी तरह से बहुत बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी। अगर आप मेरी इस जर्नी में मेरी थोड़ी भी हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।